नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका। लाइव नजर डालते हरियाणा की मुख्य खबरों पर। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सेलिब्रिटी कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस। यहां से बॉलीवुड स्टार संजय दत्त लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। कांग्रेस हाईकमान ने संजय दत्त का नाम पैनल में किया है शामिल। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में करनाल सीट पर संजय दत्त के नाम पर हुई चर्चा, लेकिन पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं से चर्चा के बाद ही हो सकेगा अंतिम फैसला। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सोशल मीडिया अकाउंट से सोमवार को हट गया मोदी का परिवार, जिसके बाद कई तरह की शुरू हो गई चर्चाएं। हालांकि कुछ देर बाद इसे कर दिया गया ठीक। विज ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मोदी का परिवार हटने की बताई वजह। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले जजपा में शुरू हो गई है बगावत। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने छोड़ दी पार्टी। उन्होंने अभी पार्टी हाईकमान को मौखिक रूप से पार्टी छोड़ने की दी जानकारी। जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को सौंपेंगे लिखित इस्तीफा। निशान सिंह के कांग्रेस में जाने की लगाई जा रही अटकलें। दिसंबर 2018 में जजपा बनने के साथ ही उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की सौंपी गई थी कमान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया बयान कि हार को लेकर डरा हुआ है विपक्ष, उसमें चुनाव लड़ने का नहीं है साहस। इनके पास चुनाव मैदान में उतारने के लिए नहीं उम्मीदवार। घमंडिया गठबंधन में वे लोग हैं शामिल जिन पर भ्रष्टाचार के हैं आरोप। रोहतक में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा का जमकर हुआ विरोध। इस दौरान किसानों ने अरविंद शर्मा को दिखाए काले झंडे, जिस कारण उन्हें बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा अपना भाषण। वहीं कार्यक्रम के दौरान विरोध कर रहे किसानों और भाजपा समर्थकों में जमकर हुआ हंगामा। विरोध के कारण सांसद को अपना भाषण बंद करके कार्यक्रम से लौटना पड़ा वापस। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बयान कि भाजपा ने प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया है बर्बादी की कगार पर। इस बात का खुद बीजेपी को भी है आभास, इसलिए ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का बदल दिया गया है चेहरा। लेकिन इससे अब नहीं होने वाला है कोई लाभ, क्योंकि इस तरह के डमी मुख्यमंत्री का पहले भी हो चुका है हरियाणा में प्रयोग, जो साबित हुआ था नाकाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी की हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कड़े शब्दों में की है निंदा। उन्होंने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी को लिया आड़े हाथ। कंवर पाल गुर्जर ने दिया बयान कि सुरजेवाला की इस टिप्पणी की मैं करता हूं आलोचना, वैसे तो सभी को अपनी वाणी पर रखना चाहिए संयम। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर प्रतिबंधित दलों के प्रत्याशियों का मैदान में उतरने का अब लंबा हो रहा है इंतजार। भाजपा ने एक महीने पहले ही घोषित कर दिया है प्रत्याशी। जननायक जनता पार्टी से पूर्व सिंचाई मंत्री हर्ष कुमार, जजपा की युवा शाखा के अध्यक्ष नलीन हुड्डा व जिला अध्यक्ष कृष्ण जाखड़ और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष करामत अली, ऐसे है प्रमुख नाम जिन पर पार्टी खेल सकती है दांव। अवैध खनन का निरीक्षण करने गए नारायणगढ़ एसडीएम, उनकी टीम पर हुआ जानलेवा हमला। एसडीएम के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा नारायणगढ़ थाने में शिकायत देने के बाद हुआ इसका खुलासा। आरोप है कि इनोवा गाड़ी सवार ने पहले तो इनकी गाड़ी का किया पीछा और दो बार गाड़ी से टक्कर मारने का किया प्रयास। अंबाला में ड्यूटी से वापस घर लौट रहे युवक की रोड एक्सीडेंट में हो गई मौत। मुलाना थाना एरिया में गांव नौनी के पास हुआ हादसा। गांव गोकलगढ़ निवासी कर्मजीत के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। कर्मजीत सिंह बाइक पर वापस लौट रहा था अपने घर, पीछे से आई तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने मार दी टक्कर, जिससे गंभीर चोट आने के कारण कर्मजीत सिंह की हो गई मौत। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए।